हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो मैं हूँ अभी फ़िलहाल इसी गोदाम में जो कल मैं रुका था यहाँ पे, ये रहा। तो कल ना बहुत ही मतलब डर लग रहा था रात को, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला था और लाइट वाइट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत ही डर लग रहा था। तो उससे उसकी वजह से जो है मुझे उतना ख़ास नींद नहीं आया। तो आज हालांकि मैं सुबह थोड़ा सा लेट हुआ और नाश्ता वास्ता मैंने कर ली, वहाँ पे राहुल को फ़ोन किया था, कैंटीन में जो रहता है राहुल, उसको फ़ोन किया। राहुल ने बोला कि आ जाओ, नाश्ता हो गया, नाश्ता कर लेना। तो अभी बज रहा है 9, तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा। मैं अभी फ़िलहाल हूँ एमपी में, एमपी के खवासा, ये क्या बोलते हैं, खवासा टोल गेट पे हूँ अभी। तो यहाँ से मैं अभी निकलूँगा, शायद ही मैं जबलपुर आज पहुँच पाऊँ, क्योंकि जबलपुर जो है 100 से ज़्यादा है यहाँ से, 120 या फिर 130 करीब होगा। तो यहाँ से ना, तो मैं अभी निकल रहा हूँ और देखते हैं कहाँ तक आज पहुँचते हैं। तो चलो चलते हैं, आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। बस खवासा टोल प्लाजा से मैं करीबन आधा घंटा राइड किया ही था और मुझे ना पहाड़ी रास्ता मिल गया है। ये देखो मेरा पीछे, ये देखो, ये जो रास्ता है ना पूरा मतलब पहाड़ में ही, ये वाला रास्ता। तो यहाँ पे ना चलाया नहीं जाता, तो मैं आधे घंटे से मतलब साइकिल को ठेलते ठेलते जा रहा हूँ और मेरा पसीना इतना निकल चुका है ना कि मैं 2 घंटा राइड भी कर लूँ नॉर्मल से रास्ते में तब भी इतना पसीना नहीं निकलेगा। तो इतना पसीना जो है अभी निकल चुका है और पता नहीं और कितना दूर होंगे ऐसे रास्ता। तो ये देखो रास्ता कैसा है, ये रहा, ट्रक भी कितना स्लो जा रहा है, ये देखो गाड़ी, ये देखो गाड़ी जो है बहुत स्लो आ रहा है, क्योंकि ये ना रास्ता बहुत ऊंचा ही है और पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्ते पे जा भी नहीं सकता स्पीड। ये देखो, तो ये देखो पता नहीं ये गाड़ी क्यों रुके है यहाँ पे, मुझे पूछ रहा था कहाँ से आए हो, क्या बात। ये रहा, तो जा रहा है गाड़ी, जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई यूरोपियन कंट्री पे आ गया। ये रास्ता तो देखो, अभी ना मैंने 1.5 घंटा चली है ये साइकिल को ठेल ठेल के, सोचो। उसके बाद ऐसे फिर भी ऐसे ही रास्ते है, ऐसे लग रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे आ गया मैं, जैसे लग रहा है ये रास्ता देख के। और मेरा हालत ये देखो, और ये हालत है मेरा अभी अभी। हालांकि थोड़ा साइकिल चलाने को मौका मिला है, नहीं तो 1.5 घंटे से मैं ठेल ठेल के ही आ रहा था। तो फाइनली वो फॉरेस्ट एरिया जो है मैं क्रॉस कर चुका हूँ और अभी मैं फिलहाल गांव के एरिया में आ चुका हूँ, ये रहा। तो सो गाइस, यहीं पे अभी हम रुके थे क्योंकि आज ना बहुत ही ज़्यादा धूप भी दे रहे हैं, क्योंकि कल बारिश हुआ था, बिस्किट वगैरह खाए तो मुझे मिल गया ये अंकल, ये रहा। ये अंकल जो है ये आ रहा है उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से, और ये जा रहा है अभी नर्मदा। और ये अंकल जो है ना गलत रूट ले लिया, ये पहले ही आ गया था मथुरा, तो मथुरा से ये नर्मदा आ सकता था, बट ये उल्टा करके ऐसा आ रहा है, हैदराबाद होके सिकंदराबाद होके फिर से ये चल के आ रहा है इधर से। तो वही मैं बोला इसे कि ये अगर इधर से होके जाता मथुरा से, अगर ये वापस नर्मदा आ जाता तो इजी हो जाता, इधर से तो डबल ट्रिपल हो गया मतलब इसका आना जाना। तो अभी हालांकि फिलहाल इसको बिस्कुट वगैरह दिए, हम भी बिस्कुट खाए और बस अभी टाइम हो गया जाने का, तो अभी चलते हैं। अंकल भी हालांकि पैदल ही आ रहा है, ये देखो पैदल ही, एक बैग है और गमछा है बस, और मेरा तो ये रहा। अभी हालांकि आगे ना थोड़ा सा ऊंचाई है, तो मैं और अंकल अभी साथ में ही जाएंगे, तो आगे जा करके ना कुछ खाना पड़ेगा। तो अभी चलो चलते हैं यहाँ से। यहाँ से जबलपुर 134 किलोमीटर है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये क्या है भाई? सो गाइस, मैं अभी फिलहाल हूँ छपारा जिला में। तो छपारा यानी कि वो बिहार वाला छपारा नहीं, ये मध्य प्रदेश का छपारा जिला है। तो ये एक्चुअली क्या है ना, हिल्स एरिया है, तो यहाँ पे ना बहुत ही मतलब जंगल आपको दिखेगा, ये रहा।
जैसे कि आगे हम देखे थे ना वैसे ही जंगल आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इसीलिए ना मैं आज यहीं पे स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 6 बज रहा है, तो इसीलिए आज ना आगे एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, तो वहीं पे मैं अभी स्टे कर रहा हूँ। हालांकि अभी ना बारिश हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि मेरा साइकिल वगैरह जो है वहीं पे रखा हुआ है बाहर पे। तो अभी जा करके साइकिल जो है उसको अंदर घुसाएंगे, अंदर घुसा करके। ओ भाई बहुत तेज बारिश हो रही है यार, आगे जाके बात करते। सुबह खवासा से निकलते हुए खमे जो क्या बोलते हैं उसे, ये घाट बोलते हैं ना, घाट यहाँ पे तो लोग घाट बोलते हैं, बट वो चढ़ाए होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी 26 किलोमीटर तक मिलेगा। मतलब जबलपुर यहाँ से 100 किलोमीटर है और 26 किलोमीटर मुझे मिलेगा चढ़ाई, मतलब हिल्स एरिया मिलेगा। तो मैं ना आज राइड नहीं करूँगा, कल सुबह ही जल्दी निकल के मैं राइड करूँगा, क्योंकि यहाँ से ना मुझे ठेल ठेल के जाना पड़ेगा, मतलब ढकल ढकल के जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं आज राइड नहीं कर रहा हूँ, आज यहीं पे स्टे कर रहा हूँ।